मैं हूं आपके साथ, आपका अपना पसंदीदा आरजे। मेरा नाम है आरजे रंजन। कैसे हैं आप आज सर? कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ये पब्लिक डिस्कोर्स में बातें हो रही हैं। कुछ एक ऐसी बातें हमारे सामने सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि भाई बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइना। ओ माय गॉड, डू वी रियली नीड टू बायकॉट चाइना एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बाय द वे, इतनी देर में अपने कुछ ऐप्स तो आप अनइंस्टॉल कर ही सकते हैं, है ना, है ना, है ना। वेल, मैं इस पे बड़ा गहराई से सोच रहा था, तो सोचने पे ये बात सोच के मेरे दिमाग में आई कि भाई ये सुरंग बहुत गहरी जाती है। कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया नजर आती हैं, पर फिर क्या करेगा बेड़ू जब रॉ मटेरियल ही किसी और देश से आएगा। हाँ, मैं कह रहा हूं बेशक चाइना से नहीं आएगा तो कहीं अमेरिका से आएगा, जर्मनी से आएगा, जापान से आएगा, कहीं से तो आएगा बड़ो। वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये पूरा संसार एक परिवार के समान है, ये हम मानते हैं, ये हम मानते हैं और हम जानते हैं। पर उन लोग का क्या करें जो इस परिवार के बिगड़े हुए बच्चे हैं? तुम समझ रहे ना बिड़ू मैं किसकी बात कर रहा है? बट सीरियसली, इट्स अ टफ चॉइस टू बी और नॉट टू बी, टू बी बाइंग चाइनीज और नॉट टू बी बाइंग चाइनीज। बाय द वे, कितने लोग को चाइनीज फूड अच्छा लगता है, अब उनको कमेंट बॉक्स में लिखने का। और इंडियन चाइनीज नाम का भी एक टर्म होता है, द चाइनीज फूड that is made with the taste of India is an Indian Chinese. Well, we guys are very innovative. आई कैन एबल टू वैन है तो बहुत सी चीजें हैं जो इस समय मैं आपसे बात करते हुए भी जाने ना जाने चाइनीज यूज कर रहा हूं। ये जो चश्मा है ये इंडियन कंपनी का है, इंडियन है, बट मुझे ऐसा लगता है इनका बहुत सारा माल चाइना से सोर्स होता है। क्या कर सकते हैं? ये जो पॉप फिल्टर है ये मेड इन चाइना लेबल मैंने खुद देखा था, बट अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। ये जो माइक आप देख रहे हैं ये कंपनी अमेरिकन है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है, क्योंकि इंडिया चाइना के पास में है और अमेरिका कंपनी का जो ये प्लांट चाइना में लगा है, जो जॉब वर्क करा रहे हैं, मजदूरी वर्क करा रहे हैं चीन से, तो इंडिया पास पड़ता है तो यहां भेज रहे हैं, और इनफैक्ट अमेरिका भी पटा पड़ा है इन चीजों से। तो कैसे पता लगेगा बेड़ू कि क्या चीज कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है? कुछ इंडियन प्रोडक्ट है जिसमें चीन से रॉ मटेरियल आ रहा है, कुछ चीनी प्रोडक्ट है जिसमें इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा है, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी। और बहुत सी कंपनी है जिनका कपड़ा आप पहनते हैं, जिनके मोबाइल के ऐप आप यूज करते हैं या फिर लेन देन में आप इस्तेमाल करते हैं, वो जो ऐप है उनकी हिस्सेदारी है वो कुछ प्रतिशत चाइनीज कंपनीज के हाथ में है। भाई तो बड़ी खतरे वाली बात होगी, क्योंकि वही पैसा जो वो कमाते हैं वो फिर टेररिज्म में या फिर हमारे देश के खिलाफ उसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सुन रहे हैं और ये भी आप भी सुन रहे हैं, तो भाई खून खौलता है, गुस्सा आता है। तो एक भारतीय होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, मैं ना इधर का कहूंगा ना उधर का कहूंगा, नॉट टू बी और टू बी, अब उन कुछ नहीं बताएगा बेड़ू। द चॉइस हैज टू बी योर्स बिकॉज द लाइफ इज योर्स। लेकिन देखिए भाई, सोच समझ के कीजिए जो भी फैसला करना है। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जो विदेश से आया है, बेशक चीन से आया है, जापान से आया है, रशिया से आया है, पहले हम सुनते थे एक गाना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, फिर भी सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी। अब सब कुछ चीनी आ रहा है, मोस्टली आ रहा है, ऐसी बात कहना गलत होगा कि और देशों से नहीं आ रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट एक शय होती है, एक चीज होती है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स के बनस्पत हमारे इम्पोर्ट्स ज्यादा होते हैं तो हम ज्यादा पैसा खर्चते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है किसी भी एक कंट्री के साथ। ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, ये बहुत से देशों का हाल है इन रिस्पेक्ट टू चाइना, विज अवी चाइना। और बेड़ू अभी देखो क्या है कि ये छोटा, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वसुदेव कुटुंबकम, हम सिर्फ इंडियन है, हम जानते हैं, ये लकीरें हमने खींची हैं, पूरी दुनिया इसी तरह से चलती आई है, ये एक देश है वो दूसरा है तीसरा चौथा वगैरह वगैरह, पर ऊपर वाले की नजर में देखो तो ये लकीरें सिर्फ बेमानी हैं और कुछ नहीं है।
और ये पैसा क्या है? हाथ की मैल है, बहता पानी है, हाँ तालियां। तो इससे पहले कि अगर आप इस पे गुस्सा हो या मुझ पे गुस्सा हो, अपने अपने जमीर से पूछिए कि आप कोई चीज क्यों खरीदते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान तो देखिए पैसे से कुछ खरीदता है, और पैसा मेहनत से आता है, और कुछ उसे अगर उपलब्ध नहीं होता या उसकी रेंज से बाहर हो जाता है तो वो लेना छोड़ देता है, क्योंकि वो ले नहीं पाता। एक चॉइस होती है जिसे हम कहते हैं कि सोच समझकर कोई चीज खरीदी गई या नहीं खरीदी गई। एक चॉइस होती है कि आपकी रेट आपके बजट में है कि नहीं है। ये बहुत सी बातें हैं, ऐसे तो मैं बहुत लंबा लेक्चर दे सकता हूं, बट इतना ही कहूंगा कि शांत गदाधारी भीम शांत, शांति के साथ आपको लेना है फैसला। फैसला आपका होगा, आपको कहां क्या करना है नहीं करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं हूं एक आरजे, आपका अपना आरजे। फिर होगी मुलाकात। टिल द टाइम वी मीट अगेन, टिल द टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।